दर्शकों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों ब्रेक से पूर्व आप देख रहे थे असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्यपहाड़ गुवाहाटी एमएस रोड स्थित पुरानी जेल परिसर आदिनाथ नगर में आयोजित श्रीमद 1008 आदिनाथ जिनप्रेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत ज्ञान कल्याण का विशेष प्रसारण। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में बड़े ही भक्ति भाव के साथ पुण्यवान श्रद्धालु मांगलिक क्रियाएं कर अपने सौभाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों एक बार फिर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं महोत्सव के शेष कार्यक्रमों का। स्थिरता लाने के लिए क्या करें? मन में स्थिरता लाने के लिए क्या करें? हे भव्य सेविका, मन में स्थिरता लाने के लिए ज्यादा सोच विचार मत करिएगा। ज्यादा सोचने से मन चंचल होता है और हमारी स्थिरता खत्म होती है। इसलिए कम विचार करो, काम का विचार करो, आत्मकल्याण का विचार करो, तभी तुम्हारा मन स्थिर होगा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, जो भगवान के समोसरण में बैठते हैं वो कितने बहुतारी जीव के होते हैं, जीव होते हैं? हे जय कुमार, तुम्हारे भाव कम ही रह गए हैं जो तुम भगवान के समोसरण के भाव पूछ रहे हो। एक बार भगवान के समोसरण में जो भी जीव जाता है वो निश्चित भाव होता है और उसके अल्प भाव ही शेष रहते हैं, ज़्यादा भाव शेष नहीं रहते हैं। सभी समोसरण के जीवों के अलग अलग भाव हैं, अलग अलग तरीके से वो मोक्ष जरूर जाएंगे, ये बात निश्चित हो गई है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, हमारा सब्जी या दाल में ऊपर से नमक लेने का त्याग है, कभी बिना नमक की आ जाए तब हम क्या करें? हे भव्य सेविका, नमक का त्याग है और बिना नमक की सब्जी आ जाए तो सोचना आज ज्यादा कर्म की निर्जरा हो रही है, इसलिए पहले नमक डाल के ऊपर से सब्जी मत डलवाना। नमोस्तु भगवान। इस संसार में कौन सा प्राणी सुखी है? मुनि लोग का भी आहार विहार में बहुत तकलीफ होती है, तो सुख कैसे प्राप्त करें, या मुनि लोग का आहार विहार सुख शांति से कैसे जाए? हे भव्य सेविका, सुरेश जी आप चिंता ना करो, इस संसार में जो भी मुनि के आहार विहार होते हैं वो पुण्यशाली लोग ही कराते हैं। प्रमुख सागर जी का विहार आप सुरेश जी, विनोद जी, राजा भाई, छोटू और बिक्की भाई, ये सब लोगों ने, विनोद जी आदि ने कराया, ये भव्य जी भी हैं और उनके पुण्य से ही विहार होते हैं। इसलिए मुनि बन जाओ, तुम्हारा सुख तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारी चिंता करने वाले भव्य श्रावक बहुत तैयार होंगे। हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे स्वामी, मैं चेन्नई से अंजना धाकड़ा इस पंच कल्याण के अवसर पे आई हूँ। ऐसा भव्य समोसरण देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। अनादिकाल से हम लोग समोसरण में जाते हैं, लेकिन अब तक हमको क्यों सद्बुद्धि नहीं आई कि हम अपना कल्याण कर सके? नमोस्तु आचार्य से। हे भव्य सेविका, आप मद्रास चेन्नई से आए हैं, मध्यलोक से आए हैं। हमारे मोहिनी कर्म का जब तक क्षय नहीं होगा तब तक हमारे आत्म कल्याण की बुद्धि नहीं होगी। दर्शन मोहिनी का क्षय होता है तो सम्य दर्शन प्राप्त होता है, और चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होता है तो हमें चारित्र प्राप्त होता है। तो आप अपने मोहिनी कर्म का क्षय करें, मोहिनी कर्म के क्षय के लिए मोह कम करिएगा पदार्थों से, बच्चों से, परिवार से, और सबसे कम ना हो पाए तो कम मोबाइल से मोह कम कर दो तो भी कल्याण हो जाएगा। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय।
हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अभी जो रात्रियों में भोजन करते हैं आगे उनकी क्या गति होगी? महावीर जी पाटनी, आप सबकी चिंता कर रहे हो, आपका आपके परिवार का रात्रि भोजन का त्याग हुआ है तो आपको जरूर स्वर्ग मिलेगा। और जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं वो चमगादड़, उल्लू आदि रात्रि के जल जीव बनकर संसार में भ्रमण करते हैं, इसलिए अन्य जैन ग्रंथों के अलावा भी अन्य जगह भी रात्रि भोजन करना मांस के बराबर कहा गया है। इसलिए हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हमें स्वविवेक से उसे छोड़ देना चाहिए। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कमेटी के अंदर रहकर जो बिहार कराता है वो बिहार कराने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है या कमेटी वालों को पुण्य ज्यादा मिलता है? हे भव्य श्रावक, जो साधु के साथ कदम कदम चलते हैं उनका तन का पुण्य है, जो मन से उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाने का प्रयास करते हैं उनका मन का पुण्य है, और जो धन खर्च करते हैं उनका धन का पुण्य है। तन से जो सेवा करते हैं उन्हें वज्रसव नारद सेनन की प्राप्ति होती है, मन से जो सेवा करते हैं उन्हें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, और धन से जो सेवा करते हैं वो चक्रवर्ती के पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो जैसी सेवा करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। ओ धनपति कुबेर और सोदर मिंद्र दोनों आगे आते हैं, दोनों हाथ चारों काय के देव चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़े हुए और समोसरण का विघटन होने लगता है। दिव्य ध्वनि के पश्चात समोसरण का विघटन, चारों तरफ खड़े हो जाए, चारों कोनों में चारों काय के देव सोधर्म इंद्र धनपति कुबेर ईशान सनत कुमार महेंद्र इंद्र यज्ञ नायक सारे इंद्रगण आ जाएंगे। आ जाइए, हेलो, प्रणाम करेंगे। प्रकट आत्मविवेक आ जाए, आ जाए। प्रकट आत्मविवेक तो समदृष्टि हो गए, जब प्रकट आत्म जिनेश तो परमेष्टि हो गए। प्रगटा आत्म विवेक, प्रगटा आत्म विवेक तो समदृष्टि हो गए, प्रगटा आत्म जिनेश तो परमेष्टि हो गए। चलिए ऐसी भावना भाव, दोनों हाथ जोड़ो। आज इस पंच कल्याणक में गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है, हम केवल ज्ञान में उपस्थित हैं। एक दिन प्रमुख सागर जी केवल ज्ञान हो, हम सब यहाँ पर श्रावक और श्रावका बनकर बैठकर अनुमोदना करेंगे। सभी बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः। सभी इंद्रों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और इतना ही कहना चाहूंगा आप सबसे, हम सब लोगों को सूर्या सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ पर सभी इंद्रों को चलना है, और वहाँ पर हमें अपने भगवान को विराजमान करना है। समोसरण में ये किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मेरे मन में था कि हमें बताना है कि कब भगवान विराजमान होंगे, लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जितनी जल्दी हमारे सूर्योदय तीर्थ पर हमारे देवादिदेव आदिनाथ भगवान विराजमान होंगे, उसी दिन से सूर्योदय पहाड़ सूर्योदय तीर्थ की चारों गति में प्रभावना प्रभावना ही प्रभावना हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात
ये पंच कल्याण की सबसे बड़ी सफलता है कि हम सब लोगों ने इस पंच कल्याण को केवल कला के माध्यम से नहीं, संस्कृति के माध्यम से भी जानने का प्रयास किया, संस्कृति के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। एक एक कलाएं हमने सीखी हैं। अभी हमने जब अंदर सूर्य मंत्र दे रहे थे तो सभी मूर्ति दातार वहां पर एक एक क्रिया, एक एक चीज देख रहे थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक क्रिया जो आपने देखी है, आज पाषाण की क्रिया देखी है, आप पुण्य ऐसे इकट्ठे कर लिए, जब कभी आगे आने वाले समय में तीर्थंकर जन्म लेंगे तो आप सब उसमें इंद्र इंद्राणी बनकर साक्षात भगवान के उस कल्याणक में सहभागी बनोगे। और मुझे सौभाग्य मिला, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का गर्दर बनने का सौभाग्य मिला, हमारे मुनि अर्जित सागर, मुनि प्रभाकर सागर जी को इस समोसन में बैठने का सौभाग्य मिला, सभी माताओं जी को सौभाग्य मिला, और गुवाहाटी दिगंबर जैन पंचायत को ये पुण्य मिला है। तो मैं कहूंगा आगे कभी जीवंत तीर्थंकर का समोसन लगा तो ये गुवाहाटी में ही लगेगा, क्योंकि सूर्य सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ हम सबके पास है। आप सब भक्ति करना, बहुत सारे भव्य जीव यहाँ हैं, ऐसे ऐसे भव्य जीवों ने यहाँ पुनर्जन किया है। ख्याल करो हमारे अध्यक्ष महावीर जी गंगवाल हाथी गोला परिवार, जो वास्तव में एक ऐसा अस्तित्व रखता है, ऐसा व्यक्तित्व रखता है कि जो कार, और मैं कहता हूं गारंटी के साथ, अगर महावीर जी के मन में आ गया तो सूर्यदेव पहाड़ पर जरूर जरूर मूर्ति विराजमान हो। और हमारे मंत्री जी यहाँ हैं, बीरेन जी हमारे, बिज्जू भाई, ओम जी हमारे, जो पूरे चातुर्मास में जिन्होंने खूब खूब सेवा करी है, और अभी भी ख्याल करके रखना। हम इतना ही कहना चाहते हैं, ये समोसन की जो रचना आज हम सब लोगों ने देखी है, हमारे कमल जी, हमारे कहाँ से हैं, माजे नंदन भाई, नंदन भाई जिन्होंने इतना सुंदर यहीं आकर समोसन बनाया, और आज आप लोगों को इस समोसन का आनंद मिल रहा है। भाइयों एक बार हमारे नंदन भाई के लिए तालियां बजाइए। भव्य समोसन जो आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर समोसन का निर्माण किया है हमारे सौद्रमिंद्र, जो हमारे कमल जी हाथी गोला परिवार बने, वास्तव में उन्होंने बोला महाराज आपके आशीर्वाद से ये पर्दा, ये सौभाग्य हमें मिल गया। मैं कहना चाहूंगा हमारे सौद्रमिंद, हमारे कमल भाई और सरता बहन का बहुत पुण्य है, और सबसे पहले मुझे पंच कल्याण की स्वीकृति उनकी मिली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने जैसे यहां किया मेरे को थोड़ी ताकत आ गई, फिर धीमे से हमारे कुबेर महाराज आके मेरे कान में पूछे, श्रीपाल जी की महाराज कुबेर महाराज बन गए क्या? मैंने कहा मुंह में लड्डू मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो मैंने कमेटी को खबर की और उन्होंने जाके इनसे संपर्क बनाया, तो कुबेर के रूप में चूड़ीवाल परिवार से हमारे श्रीपाल जी और कुसुम बहन बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समय बहुत हो रहा है, शाम होने वाली है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। शाम 6 बजे से पुनः सभा होगी, मैं एक एक इंद्रियों का परिचय दूंगा, एक एक पिंडों से चर्चा करूंगा। आज शाम को सभी का सम्मान भी यहाँ पर होना है, सभी मूर्ति दातारों को मुझे कपड़े भी वस्त्र भी देना है। सूर्य पहाड़ के मूल नायक आदिनाथ भगवान हमारे अजय जाए और हमारी रूपा बहन परिवार की तरफ से जा रहे हैं, विधि नायक वहां पर सुशील जी और संगीता जी गंगवाल के परिवार की तरफ से जा रहे हैं। विचार करना, हमारा जीवन बहुत आनंदित होना चाहिए। सभी इंद्रदानी हैं, शाम 6 बजे हम आप सबसे फिर मिलते हैं। और हमारे सुरेश जी का आशीर्वाद यहाँ है, जो हम लोगों को यहाँ से कहाँ पूरा भ्रमण करा के लाए हैं। आज सबको सम्मान शाम को यहाँ पर होगा, आप सब लोग आने का प्रयास करें। चलिए आए जो देवगण, ते सब कृपा करके सब अपने अपने भोजन करके बना रहे। आज देखिएगा आहार, जिन्होंने देखा हमारे बीके चूड़ीवाल बिजू भाई ने जो व्यवस्था रातों रात कर दी, और इतना सुंदर आहार की व्यवस्था मेरे जीवन काल की तो पहली थी, इतना सुंदर। और मेरे महाराज जी का हाल तो देखो, खड़े ही रहे वहां जब तक सबने आहार नहीं दे लिया, सबको आहार दिलाने के बाद ही वो वहां से उठे।
वास्तव में वो भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। बाकी के लोग जाएंगे, कुछ बाहर के मेहमान आए हैं, महावीर भाई भी बोल रहे थे, तो मैं वहीं पहुंचता हूं, वहीं महावीर महाराज। और जिन्होंने चंद वस्त्र पहने हैं वो भगवान लेने के लिए आ जाए। भगवान यहीं पे रहने दो, शाम को आरती करेंगे। अच्छा, आरती के बाद हम भगवान पहुंचाएंगे, शाम को समोसन की आरती होगी, उसके बाद भगवान अंदर ले चलेंगे हम। ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, डिशपुर वाले श्रीफल चढ़ाने के लिए आए हैं वो आ जाए। अब तो गया ना? चलेंगे, नौ बार नवकंद पढ़ेंगे। और बिजू भाई हम वहीं पर आए, हाँ वहीं पे। अच्छा, ये लोग श्रीफल चढ़ाना, ए उमेश, उमेश ये लोग श्रीफल चढ़ाना चाहते हैं उधर। चलो महाराज जी, नहीं तो ये गिर पड़ेगा, थर्माकोल अभी ये तो गिर जाएगा। चलो वहीं पे, मजबूत नहीं है ये। तरफ से भी जब इसकी घोषणा की गई थी तो चार नंबर में उन्होंने एक वेदी के निर्माण करने की घोषणा। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे प्रभु चरणों में। माफ कीजिए दर्शकों, विजयनगर के अध्यक्ष जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। बाबूलाल जी, काला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कल के भोजनशाला के भी वो पुण्यार्जक थे। आइए उनके मनोभाव को जानते हैं पचकलड़ा को लेकर। जय जिनेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? सूर्य पार का विकास के लिए जो आयोजन वाली जैन समाज के अध्यक्ष बाबू जी गंगवाल ने जो यथा परिश्रम किया है, तुलसमणि है। कहने का मतलब सूर्य पार का जब डिस्कवर हुआ, जब सूर्य पार जंगल था उस समय हम लोग विजयनगर वालों ने सर्वप्रथम वहाँ पर जाके सूर्य पार का आविष्कार किया। हमारे जो फोटो है यहाँ पर प्रमाण है। जय कुमार जैन तो हमारे सबसे बड़े भाई साहब थे, वो गए थे। हमारे भाई राजकुमार, हमारे चाचाजी रतनलाल जी सब हमारे साथ में गए। वहाँ पर बड़े बड़े जोग, हम आसाम में जोग पहुंचे, समुचे शरीर में लग गए जंगल के भीतर में। आज तारीख को सफा करके सूर्य पार का हम लोग ने आविष्कार किया गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर पचपन जी का जमीन अली का गवर्नमेंट महावीर जी गंगवाल तथा हम लोग समाज के शुरू से यही काम हुआ। और सबसे इसमें सबसे योगदान गुवाहाटी समाज के अध्यक्ष महावीर जी गंगवाल, जो अभी वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वो समाज के कोई आदमी उनकी बात चर्चा करते भी है वो गलती है। 100 काम में 2 काम गलत हो सकता है, 98 काम बढ़िया जो है उसके लिए उनको उसका प्रोत्साहन देना चाहिए। मेरा कहने का कभी अध्यक्ष हूँ, मैं जानता हूँ कि समाज में जो काम करेगा उसको बहुत मिलती है, उसको निवारण करने के लिए वो हमेशा अग्रसर रहते हैं, कोई परवाह भी नहीं करते हैं, किसी बात की कोई आलोचना करे उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। ये वैसे हमारे गांव की जो प्रास्पारिक थे हम लोग गुवाहाटिया हम लोग एक ही सारे समाज इनसे मिलन से हमेशा रहते हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा महावीर जी से भी रहेगा कि बाबूलाल जी ने जिस प्रकार से उनकी प्रशंसा की है तो सर क्या कहना चाहेंगे बाबूलाल जी के लिए, जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से लाखों दर्शक इसको सुनना चाहेंगे। देखिए, सूर्य पहाड़ काला परिवार जब सूर्य पहाड़ का जैन समाज के लिए जन्म हुआ तब से काला परिवार इसमें लगा हुआ है। इनके बुजुर्गों का हाथ रहा, इनके सभी लोगों का हाथ रहा, और सबसे बड़ी बात है इस पंचकल्याण की जो आज व्यवस्था आप देख रहे हो, हम सबसे पहले आशीर्वाद लेने इनके पास गए और इन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसी का चमत्कार है कि आज सूर्य पहाड़ का मेला सक्सेस हो रहा है, पंचकल्याण सक्सेस हो रहा है। और मैं इनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, इनके हर व्यक्ति परिवार में एक इस तरह की वातावरण में रहते हैं कि हर जगह पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव नहीं है। सब चाहते हैं हम कुछ ना कुछ करें और इनकी करने की प्रेरणा से हमने इस पंचकल्याण को सक्सेस कर दिया। इस कार्यक्रम की आयोजक थी पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्य पहाड़, निवेदक श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र विकास समिति ग्वालपाड़ा आसम। पंच कल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता श्रीमती रतन प्रभा जी सेठी, श्री आनंद लाल जी सेठी गुवाहाटी, श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय, श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित, श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत, श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या।
श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनक लता जैन, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र कियांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेह। स्वर्गीय श्री शांतिलाल, श्रीमती रतन देवी गंगवाल की स्मृति में श्री सुशील कुमार, श्रीमती संगीता देवी गंगवाल, अंकिता, अंकित बगड़ा, अंकुर गंगवाल, श्री कुंदनमल रारा एवं श्रीमती सरबती देवी रारा की पुण्य स्मृति में श्री प्रकाश रारा, श्रीमती रंजू रारा, पुत्र ध्रुव रारा, फर्म सरावगी बिक्री निगम, SRCB रोड, पेंसी बाजार गुवाहाटी, जय स्टोर तिवारी बाजार गुवाहाटी।